नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम फॉलिकुलर स्टडी समझने की कोशिश करेंगे। फॉलिकल्स क्या होते हैं उसके बारे में जानने के लिए हमें एक महिला के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को समझना पड़ेगा। यूट्रस के दोनों साइड ट्यूब्स लगे होते हैं, उन्हें फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। वो कनेक्टेड होते हैं और वो दो तरफ खुलते हैं ओवरी के ऊपर। दो ओवरी होते हैं, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। ओवरी में अंडा बढ़ रहा होता है, कभी किसी भी साइड बढ़ सकता है, कभी दोनों साइड बढ़ सकता है, बट अक्सर एक साइड एक अंडा बढ़ता है नेचुरल साइकिल में। करेक्ट साइज के होने के बाद ग्रोथ जब ठीक से हो जाता है, वो अंडा रिलीज होके ट्यूब में आके वेट कर रहा होता है, और जहां अगर स्पर्म्स हो तो फर्टिलाइजेशन होके एम्ब्रियो बनेगा। तो जहां एग बढ़ रहा होता है ओवरी में, उसे फॉलिकल कहते हैं। ये जान लीजिए कि ऐसा कोई स्कैन नहीं है जो अंडे को देख सकता है, फॉलिकल को देख सकते हैं। ओवरीज में खूब सारे फॉलिकल्स हैं जो हर महीने कुछ कुछ सेलेक्ट होते हैं, और उनमें से एक ही समझिए कि बहुत स्ट्रांग होकर ठीक से बढ़कर रिलीज होता है, बाकी सब मर जाते हैं जिस जो उस महीने के लिए सेलेक्ट हुए होते हैं। फिर अगले महीने फिर से यही शुरू होगा, जैसे कि 10-15 एग सेलेक्ट होंगे, उसमें से एक ही रिलीज होगा, और जो 10-15 में से बाकी जो बच गए हैं वो मर जाते हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग अभी आप समझ पाओगे। आपके पीरियड के दौरान एग कैसे बढ़ रहा है उसे देखने के लिए हम फॉलिकल्स को देखते हैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में, कि वो ठीक से बढ़ रहे हैं या नहीं। ये किन पेशेंट्स के लिए यूजफुल होता है? एक तो वो जिनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, दूसरे वो जो कुछ दिनों के लिए नेचुरली ट्राई करना चाह रहे होते हैं। तो इसमें प्रोसीजर ये होता है कि आपको अल्ट्रासोनोग्राफी स्कैन्स कराने होते हैं, जिससे आपको ये बताया जाएगा कि अंडा ठीक से बढ़ रहा है या नहीं। बढ़ रहा है मगर रिलीज नहीं हो रहा है, रिलीज हो रहा है मगर किसी कारणवश आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो। ये कई कारण हो सकते हैं, ट्यूब्स ब्लॉक हो सकते हैं, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, बट ये सारे प्रॉब्लम्स नेक्स्ट स्टेप ऑफ इवैल्यूएशन में होते हैं। तो फॉलिकुलर स्टडी बेसिकली आपके फॉलिकल को देख रहे होते हैं कि वो ठीक से बढ़ रहा है या नहीं, और रिलीज होने के बाद आपको ये बताया जाता है कि आप हस्बैंड वाइफ इंटरकोर्स के द्वारा प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको फॉलिकुलर मॉनिटरिंग या स्टडी कराना है और आप नेचुरली प्रेगनेंसी के लिए चांसेस बढ़ाना चाहते हैं, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।